हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो वीडियो की स्टार्ट से आप समझ गए होंगे कि मैं कहीं ट्रैवल कर रही हूँ, कहीं जा रही हूँ, और मैं कहाँ जा रही हूँ ये मैं आपको वहाँ पहुँच कर ही दिखाऊँगी। तो हम पहुँचने वाले हैं इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि गुड़गांव में है, और मैं जयपुर से आई हूँ कैब में ट्रैवल करके, क्योंकि मेरी फ़्लाइट जो थी वो दिल्ली से थी। तो हम आ गए हैं यहाँ पे टर्मिनल 3 पे, जहाँ पर डोमेस्टिक फ्लाइट्स डिपार्ट होती हैं। सुबह के 3 बजे हैं और मेरी फ्लाइट है 5 बजे की। जयपुर से हम निकले थे 10 बजे और हम ऑन टाइम ही हैं, यानी 2 घंटा पहले पहुँच गए हैं अभी यहाँ पे। ये देखिए बाहर का आउटर है ये एयरपोर्ट का। यहाँ से मैंने ली है ट्रॉली, और ट्रॉली लेकर के जो 1-4 गेट होते हैं वो मैं आपको बता दूँ, वो डोमेस्टिक फ़्लाइट्स के लिए होते हैं, और 5-7 जो गेट होते हैं वो इंटरनेशनल फ़्लाइट्स के लिए होते हैं, जो कि नियर बाय होते हैं अपनी फ़्लाइट्स में जाने के। हाँ, लेकिन अंदर जाके सब चीज़ कनेक्टेड ही है, सारे गेट्स इंटरलिंक्ड हैं और कनेक्टेड हैं, तो आप किसी भी गेट से वैसे अंदर जा सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे व्हीलचेयर्स भी अवेलेबल हैं, जो लोग नहीं चल सकते या जिनको कुछ प्रॉब्लम है तो यहाँ पे इजीली व्हील चेयर भी मिल जाती हैं, प्रोवाइड हो जाती हैं। यहाँ पे आपकी आईडी चेक की जाएगी और आईडी चेकिंग के बाद ही आपको अंदर जाने दिया जाएगा। इस बोर्ड पर सभी फ्लाइट की इन्फॉर्मेशन है, उड़ान की पूरी जानकारी दी गई है कि कितने बजे जाएगी, कौन सी है आपकी फ़्लाइट, इन्फॉर्मेशन सूचना यहाँ पे दी गई है। यहाँ से आपको सब चीज़ मिल जाएगी। खाने पीने के लिए भी सारी सुविधाएं यहाँ पे उपलब्ध हैं। इंटरनेशनल डिपार्चर उस साइड है और मेरी डोमेस्टिक फ्लाइट है। इस टाइप से मशीन बनी हुई है जिससे आप बोर्डिंग पास निकाल सकते हैं। यहाँ पे आप अपना PNR नंबर डालेंगे और लगेज की इन्फॉर्मेशन देंगे कि आपके पास कितने लगेज हैं, तो आपका बोर्डिंग पास तैयार हो जाएगा। ये देखिए मेरे को बोर्डिंग पास यहाँ से मिल गया है। जो मैं अभी लाइन में लगूंगी चेक इन की, तो वो यहाँ पे मेरे बैग में लगा देगा। ये है डोमेस्टिक डिपार्चर यहाँ से, और यहाँ पे आपको कराना है चेक इन बैगेज को। जो भी आपके लगेज है, बैग है, बैग को आपने चेक इन कराना है या कैबिन के लिए रखना है, वो आप यहाँ पे करवाएंगे, वेट लेंगे वो यहाँ पे, और उसके बाद में बैग को आपके चेक इन कर दिया जाएगा। ये जो बैग मेरा चेक इन के लिए जा रहा है उसमें देखिए टैग लग गया है, बोर्डिंग पास मैंने दे दिया है,
और ये बोर्डिंग पास मुझे वापस से मिल गया है रिटर्न, और मेरा बैग चला गया चेक इन। अब ये जो बोर्डिंग पास आपको मिला है ये आपको संभाल के रखना है, जो कि फ़्लाइट में आपका चेक करेंगे, और उससे पहले आपका सारा जो डोमेस्टिक सिक्योरिटी जोन है वहाँ पे आपकी सारी जांच की जाएगी, जो कि सिक्योरिटी पर्पस के लिए ज़रूरी है। स्कैनिंग होगी सारी, आपका जो सामान आपके साथ रह गया है, जो कैबिन के लिए रह गया है, या आपकी छोटी स्मॉल अटैची हो, या फिर आपका हैंड बैग, लैपटॉप, कुछ भी जो भी आपके पास है उसका सारा यहाँ पे सिक्योरिटी जोन में एक बार पूरा फिर से स्कैनिंग होगी। यहाँ पे आपको असिस्टेंस भी दिया जाता है, स्पेशल असिस्टेंस, अगर आपको कुछ पूछना है या फिर आपको व्हीलचेयर की नीड है, आप चल नहीं सकते या आपको लगी है, जो भी है आपका रीज़न, उसके लिए आपको स्पेशल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाएगा, जो आपको अंदर तक एरोप्लेन तक पहुंचा देगा पूरा सिक्योरिटी जोन से आपको निकाल करके। इसमें आपने जो भी आपके पास गैजेट्स होंगे, जो भी इलेक्ट्रॉनिक सामान होगा, वो आपको अपने पास ऊपर रखना होता है, जिसका यहाँ पे सिक्योरिटी जोन में पूरा स्कैनिंग होती है। ये देखिए डोमेस्टिक जो अभी स्कैनिंग करनी है अपनी सामान के सभी, उसके लिए काफ़ी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। यहाँ पर एक साइड से आपके सारे सामान की स्कैनिंग होगी और वो अंदर जाएगा स्कैनिंग में, तब तक आप अपनी भी स्कैनिंग करवा लेंगे यहाँ पे, और दूसरी साइड से आप अपना सामान लेंगे। जो लगेज थोड़े से डाउटफुल होते हैं वो दोबारा से चेक किए जाते हैं मैन्युअली। ये देखिए यहाँ पे हर तरह का सामान मिल जाएगा ड्यूटी फ्री एरिया में आ गई हूँ मैं, और मेरा गेट नंबर 28 है। ज्वेलरी आपको मिल जाएगी और भी बहुत सारा सामान यहाँ पे मिल जाएगा। अगर आपके पास काफ़ी स्पेयर टाइम है तो आप ये ड्यूटी फ्री एरिया से शॉपिंग आराम से कर सकते हैं और कोई भी सामान खरीद के ले जा सकते हैं। कभी कभी यहाँ पे गेट चेंज भी हो जाते हैं, जैसे कि मेरा हो गया, पहले 24 था मेरा और उन्होंने फिर कॉल करके बोला कि 28 है, आप जल्दी आ जाइए क्योंकि टाइम भी हो चुका है। ये देखिए बाहर प्लेन खड़ा हुआ है हमारा और मैं 28 नंबर गेट पे आ गई हूँ। प्लेन की वाइब भी अलग होती है, और अब हम ऑलमोस्ट प्लेन तक आ गए हैं क्योंकि लास्ट मोमेंट में ही हमारा गेट चेंज हुआ है, तो इसलिए हम थोड़ा सा लेट हो गए यहाँ पहुँचने में, और मुझे लगता है अब लास्ट पैसेंजर हम ही हैं क्योंकि हमें कॉल आ रही है बार बार। देखिए प्लेन में हम आ गए हैं और ये बाहर हमारा प्लेन खड़ा है। ये एयर इंडिया की हमारी फ्लाइट है इकोनॉमी क्लास, तो अपनी सीट फाइंड करके हम जाके बैठ रहे हैं वहाँ पे। लैपटॉप और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का प्रयोग उड़ान भरने के बाद कैबिन क्रू से पूछ कर ही करें। कृपया सुनिश्चित करें कि आपका हाथ का सारा सामान ऊपर बने सामान कक्ष में या आपके सामने की सीट के नीचे ठीक तरह से रखा गया है। गलियारों तथा दरवाजों के पास कभी भी कोई सामान न रखें। प्लेन टेक ऑफ कर चुका है, ऊपर बादलों के पास आकर देखिए कितना अलग ही नज़ारा लग रहा है। 3 आवर्स की अप्रॉक्स ये फ्लाइट है। खाने में ब्रेकफास्ट में दिया है इडली, उपमा, दही, ब्रेड और टोस्ट दिए हैं, पानी है, साथ में चटनी है और चाय भी आएगी अभी।
नाउ प्लेन इज ऑलमोस्ट रेडी फॉर लैंडिंग. आफ्टर लैंडिंग मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में. टिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी. बाय बाय.